संभल से शर्मसार करने वाली खबर है, जहां एक इमाम पर दीनी तालीम देने के बहाने मस्जिद में 6 साल की मासूम से दुष्कर्म का आरोप लगा है। पूरी घटना को पुलिस घंटों छुपाए रही, वहीं रिपोर्ट दर्ज कराने पर इमाम ने पीड़िता के परिवार को जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल दीनी तालीम देने के बहाने 6 साल की मासूम से मस्जिद में दुष्कर्म की घटना बीते दिन की गई। मस्जिद के इमाम उवेश पर मासूम से रेप का मस्जिद में ही आरोप लगाया गया। मासूम जब घर पहुंची तो उसे पेशाब करने में तकलीफ हुई। परिजनों ने पूछा तो उसने बताया कि इमाम ने उससे गलत काम किया है, जिसके बाद पीड़िता के पिता ने कोतवाली में तहरीर दी, मगर पुलिस मामले को छुपाई रही। घंटों बाद केस दर्ज किया गया। बाद में आरोपी इमाम को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वहीं इस प्रकरण को पहले पुलिस छुपा रही थी। पुलिस क्षेत्राधिकारी जितेंद्र कुमार ने बताया कि पीड़िता परिवार की तहरीर के आधार पर आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तारी की गई है। कोतवाली संभल में एक महिला द्वारा प्रार्थना पत्र दिया गया, जिसमें महिला के द्वारा आरोप उमेश नाम के व्यक्ति पर आरोप लगाया कि उसकी बच्ची पर रेप किया गया है, जिसमें FIR पंजीकृत कराकर पीड़िता के बयान और मेडिकल कराने के लिए रवाना किए गए हैं। तत्काल प्रभाव से मेरे द्वारा एक टीम गठित की गई है, जिसमें मुलजिम उमेश गिरफ्तार किया गया है और वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। अब देखना यह होगा कि आरोपी इमाम के खिलाफ क्या कार्रवाई होती है। संभल से सरफराज अंसारी की रिपोर्ट, जनहित टाइम्स।